भाई कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे गेम यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट रेफिस भाई। इस वाले गेम प्ले में जो भसड़ मचने वाली है ना, जो क्लचेस होने वाले हैं भाई, तुम लोग देख देख के मतलब पगलाने वाले हो। और एक ही चीज़ अंत में बोलोगे भाई ठोको ताली इसी बात पर। तो भाई इसी बात पर हम लोग जॉर्जो पुल आ जाते हैं यहाँ पर और हमारे साथ एक स्क्वाड है और यहाँ उतर रही भाई। देखो बस यहाँ क्या सीन होता है। तो भाई एक स्क्वाड उतर गई थी तो उन लोगों को भी गन नहीं मिलती, तो मुझे किस्मत से यहाँ पीवी वैसे मिल जाती है और एक बंदा यहाँ वेयर हाउस में आ जाता है। तो इसको शॉटगन उठा लेता है तो आसानी होती, नहीं तो कट्टे से नहीं मारना पड़ता मुझे, मतलब इसे मुझे। तो भाई इसकी जो स्क्वाड थी ना, जो भाई बोले भाई मारो मुझे मारो, ऐसा वाला सीन हो गया था भाई यहाँ पर। मतलब सही मतलब बोल रही होगी, मतलब कहीं आके हम लोग फंस गए यहाँ पर। और ये तो बंदा भाई, इसकी तो मतलब किस्मत ही झंड है, जो भी बोल लो फिर भी घमंड है वाला सीन हो गया इसके साथ। तो इसको इसकी आत्मा को शांति देके आगे चलते हैं। तो भाई तुरंत ही इसका बंदा आया तो मुझे एकदम ही 5 SP कर देता भाई, मतलब कसम से यार एक बंदा क्या ही था। बट मेरा पीछे मतलब मेरा बॉडीगार्ड, मतलब जो मैंने छोड़ रखा है अपने बंदे, वो मुझे यहाँ सपोर्ट दे रखते हैं। तो भाई चलो आगे चलते हैं स्क्वाड की तरफ। तो इसके जो दो बंदे होते हैं वो अभी बच गए हैं और वो आगे की तरफ चले गए, उनको दो बंदों को मारना है। चलो भाई इन लोगों की तरफ चलते हैं। और भाई अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी में सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक भी कर दो और भाई इस वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, भाई वो भी देख सकें। भाई इस गेम में जो लास्ट में जो और मेरे सारे जो स्कैम हुआ ना भाई, सही में पबजी प्लेयर की हिस्ट्री में किसी के साथ हुआ नहीं होगा भाई। लास्ट का जो क्लच है ना भाई, लास्ट में ही सीन है भाई, तुम लोग देखो भाई हार चल के पागल हो जाओगे भाई, जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे। ऐसा भाई किसी के साथ ना हो, मैं ऐसा हमेशा दुआ करूँगा पबजी प्लेयर के। चलो भाई वो सीन देख के ही जाना भाई तुम लोग। तो भाई इस वाले वेयर हाउस में आने के बाद जो दो बंदे होते हैं उस टीम के, वो हमारे राइट वाले कंटेनर्स पे आ जाते हैं और एक बंदे को भाई मतलब ऑलमोस्ट मैं नॉक करके ही छोड़ता हूँ, मतलब उसको हेड लग जाता है M7 का। तो भाई समझ रहे हो ना, M7 का हेड लगा मतलब बंदा कितना लेट हो सकता है। और एक बंदे ने क्या ही किया बस देखो यहाँ पर तुम लोग, उसके फ्रेंड मतलब टीम मेट ने। भाई ये क्या कर रहा है, इस आदमी को ध्यान से देखा जाए, इस बंदे को आराम से भाई, मतलब क्या ही किया भाई इसने। मतलब मानना कि आप लोग कहीं भी मतलब स्नेक बन सकते हो, सांप बन सकते हो, बट आप ये भी तोड़ी है कि कहीं भी सांप बन जाओ। मतलब कंटेनर के ऊपर सांप कौन बनता है भाई, जो सांप बना ना कंटेनर के ऊपर तो छेद है ना, तो छेद ही लाल कर छेद कर देंगे। और यार इस बंदे के साथ जंपिंग जपा के गिली चल रहा था तो एंड हो गया। चलो भाई इसके पेटी बना दी हम लोगों ने, तो पेटी लूट के। तो भाई हम लोग यहाँ पे एक मतलब फ्लेयर चलाते हैं तो हमारे जो बंदे मतलब कुछ हमारे जो एनिमीज होते हैं वो हमारे जॉर्जो पुल के स्क्वाडोज में आ जाते हैं। मतलब कैंपर स्क्वाड का बेस्ट एग्जांपल ले लो भाई तुम लोग अभी। मतलब बंदे भाई देखो, किसी को नूब बोलना भी इतना मतलब अच्छा बात नहीं है, बट बंदे नूब ही थे भाई। भाई ऐसे बंदे रैंक पुश करो ना यार तुम लोग, या मतलब फाइट लेने के क्या लॉजिक बनता है यार। चलो भाई चलते हैं स्क्वाड का तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी। तो भाई जो स्क्वाड थी जो यहाँ पर जो आ जाती है मतलब स्क्वाड हाउस में, तो हम लोग अपने जो दो बंदे होते हैं वो पहाड़ भेज देते हैं गाड़ी के साथ उन लोगों को वेट करने के लिए। तो वो लोग समझते हैं कि सारे बंदे ऊपर ही चले गए हैं, तो हम लोग यहाँ से चुपके दबे पाँव आराम से इधर से आ जाते हैं। मैं इधर से एक बंदा यहाँ पे नॉक भी कर देता हूँ इन लोगों को, जो बाहर जो खड़े होकर ऊपर देख रहा था। भाई ऐसे बाहर मत खड़ा हुआ करो, नहीं तो कोई भी तुम्हारी पिट्टी बना देगा। तो भाई ऐसे मतलब हो रहा था कि मैं आगे जा रहा था, बट यहाँ मेरे फ्रेंड के साथ जो मेरे साथ आ रहा था उसके साथ एक स्कैम हो जाता है। बट देखो क्या हुआ, तो हम मैं यहाँ जा रहा था अंदर, बट ऊपर से उसको नॉक कर दिया। मुझे लगा भाई पेटी बन गई उसकी, बन गई उसका क्रेट बनना तय है। पर भाई उस बंदे की भाई इतना मतलब वो देखो यार, मतलब कसम से यहाँ मैंने उसको दो बंदे को नॉक किया, एक बंदे को फिनिश किया, उसने मेरे बंदे को फिनिश भी नहीं किया। मतलब फिनिश कैसे करता भी कैसे, उस मतलब बंदा ट्रक के पीछे था। तो भाई यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने टीममेट को रिवाइव देने जाऊँगा, क्योंकि एक बंदा तो मैं खा चुका हूँ, एक बंदा लेट है तो वो अपने आप मर ही जाएगा। बचे दो बंदे, तो दो बंदे मेरे और टीममेट्स यहाँ आ रहे हैं, तो वो भी अपने बंदे को रेवी देगा, मैं भी इसको बचा लेता हूँ क्योंकि इसकी हेल्थ भैया बहुत कम थी और मुझे कहते ये गालियाँ दे रहा था। सही में भाई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था मुझे कि बचा ले साले, नहीं तेरी ऐसी कर दूँगा वैसी कर दूँगा। सही में भाई मैं नॉक होऊंगा तो जल्दी रेव नहीं मिलेगा, और ये लोग नॉक होंगे तो मुझे मतलब। और भाई देखो इधर भाई बॉट का प्रसाद मिल जाता है मुझे, जो पबजी भैया देते हैं मतलब
बोलते हैं कि भैया तुम इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो बंदों को मारने में, लो दो बॉट मेरी तरफ से भी रखो। और भाई एक फुट स्टेप आता है मुझे बाहर से, वो भी बॉट का होता है, मुझे लगा बंदा बाहर कूद गया उसको ले लूँगा आसानी से, पर दिखता क्या बॉट बंदा, तो ये बॉट कोई मार के नॉक ही लोगे भैया हमारे। अब देखो भैया ऊपर चल के मारते हैं। अब भाई मेरे साथ यहाँ स्कैम हो जाता है और मेरे फ्रेंड के साथ भी, अब देखो यार क्या स्कैम हुआ मेरे साथ। मैं अब यहाँ से टीपी ले रहा, तो बंदे को भाई ग्रोजा का हेड पड़ा। देखो भाई हेड मतलब बंदे की क्या ही हालत हो रही होगी, अब तुम लोग सोच सकते हो कि बंदे की भाई बंदा पीक करने से भी डर रहा है दोबारा। तो ऐसा हुआ मैं यहाँ पे पीछे रेलिंग पे चढ़ रहा था मारने के लिए, पर गलती से मेरे नीचे कूद गया। भाई जब तक मैं नीचे कूदता ना मेरा एक बंदा ऊपर नॉक भी हो चुका था, हालांकि उसने नॉक किया। बट मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई, मतलब देख रहे हो नशे मेरे, वो तो भाई किस्मत से आखिरी गोली इसको लग गई, नहीं तो ये मेरे दोनों टीममेट का मतलब भरता सूजी आमलेट चिकन रोस्टेड मसाला मिर्च भुल्लम मतलब सब गुलाब जामुन मीठे का शौक है मुझे भी है भाई, गलत मेरी मत निकाल लेना मीठे का मतलब वो वाला मीठा नहीं मीठा गुलाब जामुन। तो मीठे के मीठे से याद आया कि आगे बहुत मीठे मीठे क्लच है, तो मीठे मीठे क्लच देखने के लिए चलो चलते हैं आगे। तो भाई अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक ठोको यार, सपोर्ट दिखाओ भाई अपना, मतलब दिखा दो यार इस गरीब का कुछ भला हो जाएगा भाई, प्लीज़ सपोर्ट दिखा दो अपना भाई, प्लीज़। तो भाई नहीं जो लगना है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर देना भाई। चलो भाई वीडियो में आगे बढ़ते, एक और क्लच की धांसू क्लच की ओर। तो भाई यहाँ पे जो आने के बाद भी लेफ्ट में जो स्क्वाड हाउस होता है वहाँ बंदे होते हैं, मेरे टीममेट बोलता है भाई गाड़ी तैयार रखो मैं जल्दी से एक बंदा नॉक कर रहा हूँ, तुम लोग डायरेक्ट घुस जाना वहाँ पे। तो भैया बोला हमने ठीक है भैया तुम नॉक करो, और भैया ने नॉक भी कर दिया। चलो चलो भाई अब डायरेक्ट रश मारते, बस यहाँ के सारे किल मुझे ही मिलते हैं, बस एक किल चला जाता है हाथ से। देखो भाई कैसे क्लच मारा भाई, एक और क्लच के लिए धांसू क्लच के लिए तैयार हो जाओ, बस यहाँ पे देखो क्लच मारा मैंने कैसे मारा, डायरेक्ट घुस जाता मैं बट वहाँ पर डायरेक्ट घुसता है, डायरेक्ट मतलब बंदों पर घुसता है, ये नहीं कि होल्ड कर ले। पर मैंने यहाँ से नीचे गया अपने टीममेट निशाना लगाया और इसको भी आसानी से नॉक कर दिया भाई, है ना भाई बेट करने का। भाई इस बंदे पे तो थू है आ थू, इस बंदे पे तो भाई थू है, ग्रोजा लेके भाई सामने मुँह पे आ गया और मुझे नॉक भी नहीं कर पाया भाई, आ थू सही भाई थू, चलो थूको भाई हैशटैग थू इन द चैट मतलब चैट। अब भाई आखिरी बंदे को भाई क्या ही मारा भाई स्कैम इसके साथ भाई, बहुत ही बुरा हुआ भाई, बंदा टीवी ले रहा है नेट से उड़ गया। अब भाई इन लोग को उड़ाने के बाद अब भाई ध्यान रखना एक ज़रूरी बात, हमारे जो आगे हैं वहाँ पे दो बंदे हैं, नहीं दो नहीं तीन बंदे हैं हमारे आगे, ये बंदे मतलब आपस में दोनों फाइट ले रहे थे, हमने पीछे से आगे इनका थप्पा कर दिया, मतलब सरप्राइज वाला सीन हो गया इन लोगों के साथ। तो यहाँ हम लोग थर्ड पार्टी भी करते हैं और दोनों बंदों को दोनों स्क्वाड को मारते भी हैं, मैं देख रहा हूँ दूसरी स्क्वाड को कैसे मारा। तो भाई स्क्वाड हाउस से कोई एंगल नहीं पड़ा, तो मैं दबे पाँव एकदम टॉम की तरीके से दबे पाँव एकदम यहाँ आके, मतलब ये जो पबजी ने जो एंग्री बर्ड के जो अंडे दे रखे हैं उन लोग को फोड़ने के लिए जो मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे, एक अंडा व्यर्थ गया हमारा, दूसरा अंडा व्यर्थ नहीं जाएगा। देखो भाई इससे किस क्या ऐसे फोड़ा बंदे के मुँह पर मैंने डायरेक्ट फेंक दिया, ले बेटा अंडा खा, मतलब वो वाला अंडा नहीं ये मतलब फोड़ने वाला अंडा है, ले बेटा खा। अब भाई इसको नॉक करने के बाद भाई अब मैं घुसा डायरेक्ट और सबसे पहले मैंने इसको फिनिश किया भाई, ऊपर नहीं घुसने का, जो बंदा मतलब नॉक किया ना उसको पहले फिनिश करने का, नहीं तो ऐसे बहुत हरामी लोग होते हैं दूर से जो स्नाइपर मारे और कुछ भी करके तुम्हारा किल चुरा ले या बंदा तुम्हारा रैव हो जाए। तो भैया कभी भी रैव नहीं होने देना, एक बंदा यहाँ से लेफ्ट में जो बाहर कूद गया उसको मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया, भाई ये बंदा देखना भी क्या हुआ इसके साथ, मेरी ग्रोजा अचानक सिंगल पे चली गई भाई कसम से, और ये बंदा भाई ले मेरे उस टीममेट को खाया और मुझे खाने के लिए भाई, तो उसका रीलोड आ गया मैं बच गया इधर भाई, मैं भगवान से मना रहा था भाई मुझे बचा ले तेरे पास मैं 1000 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, 1000 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया भाई, हाँ ज़्यादा हो गया वैसे, उसको मान के मेरे टीममेट ने मुझे बचा लिया इसका कोटि कोटि धन्यवाद। चलो आगे चलते हैं गाइस आखिरी क्रश की ओर, और मेरे साथ क्या ही स्कैम हुआ लास्ट में वो तुम लोग को देखना पड़ेगा इस वीडियो में, तुम लोग देखो बस। तो भाई वहाँ से निकल कर हम लोग इस वाले घर पे आते, क्योंकि लास्ट में यही जोन बन रहा था और यहाँ पे बाकी जो 4 बंदे होते वो भी यहीं पर होते हैं। भाई मेरे साथ बहुत ही बुरा स्कैम होता है, ऐसा किसी पबजी प्लेयर के साथ नहीं हुआ होगा जो मेरे साथ हुआ भाई इस गेम प्ले में, सही में भाई लास्ट में पूरा ऑलमोस्ट क्लच मारा था, बट देखो यहाँ मेरे साथ क्या हुआ। तो एक बंदा यहाँ छत के ऊपर होता है, बट उसको मेरी पोजीशन नहीं मालूम थी वरना मुझे टेक डाउन कर लेता, जैसे वो पिस जाता है एक नॉक भाई देखना बस यहाँ पे एक नॉक,
और यहाँ पे दूसरा नॉक। बट दो नॉक दिए मेरे, दो किल तो मुझे मिलने चाहिए, बट नहीं, यहाँ मुझे मिलता है सिर्फ तुम लोग देखो भाई, तुम लोग बस देखो, यहाँ मैंने नेट वेट किए जितने मेरे पास थे, मैंने सब नेट कर दिए इधर, पर मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। जब मेरे जो बगल में जो तीन नंबर दिखा है ना, तो कतई हरामी बंदा जो बोलते हैं नहीं इसको, और जो लास्ट में भाई सही में लास्ट वाला किल भी मेरा टीममेट ले गया भाई, मारो मुझे, मारो तुम लोग मारो। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चलो भाई मिलते हैं आपसे।